श्री ऋषभनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि प्रणम्ब सागर जी महाराज की। मोह महात्म दलन दिन तप लक्ष्मी तार ते पारस परमेश मुझ हो सुमति दातार। वामानंदन कल्पतरो जयो जगत हितकार जन जाकी आश करी जाचे शिव फल सार जाचे शिव फल सार। पार्श्व कथा का यह बीच का कथानक जब हम मरुभूति के जीव से निरंतर देव और स्वर्गों की यात्रा करते हुए आनंद राजा की पर्याय तक पहुँचे हैं और जो जीव आगे चलकर के पार्श्वनाथ तीर्थंकर के रूप में विख्यात होने वाला है वह जीव आज एक आनंद मुनि महाराज के रूप में आपके सामने आ रहा है। कल आप लोगों ने उन मुनि महाराज के वैराग्य का भी भाव सुना था। जो वह वैराग्य की भावना भा रहे थे, 12 भावना भा रहे थे और 12 भावना भाकर के ही तत्व ज्ञान पूर्वक ही वह दिगंबर दीक्षा जिन दीक्षा अंगीकार की जाती है। यह एक जैन दर्शन में बड़े बड़े महापुरुषों के माध्यम से घटित होने वाला यह एक बहुत अच्छा प्रक्रम है जिसके माध्यम से हमें यह पता पड़ता है कि कोई भी तीर्थंकर हो या कोई भी महापुरुष हो जिन दीक्षा लेने से पहले वह 12 भावना अवश्य भाते हैं। भावनाओं के माध्यम से उन्हें रियल और अनरियल के बीच का एक भाव पैदा होता है और उन भावनाओं के माध्यम से उन्हें तत्व की बहुत ही निकटता प्राप्त हो जाती है। आत्म तत्व की निकटता की प्राप्ति के लिए ही ये 12 भावनाएं भाई जाती हैं। भावनाओं को भाने से हमारा दिमाग, हमारे विचार जो बाहर की ओर दौड़ रहे होते हैं वो शांत होकर के हमारे निकट आ जाते हैं और हम अपने आत्मा के काफ़ी निकट होते हैं जब हम 12 भावनाओं के माध्यम से अपने मन को शांत करते हैं, शुद्ध बनाते हैं। वह 12 भावना जो आपने कल सुनी और उन 12 भावनाओं के बाद में आगे वह कौन से मुनि महाराज के पास में जाते हैं, दीक्षा लेते हैं,
दीक्षा लेने के बाद में उनका मुनि जीवन किस तरह का होता है और वह उस मुनि जीवन में क्या करते हैं, ये अनेक प्रश्न अनेक लोगों के सामने रहते हैं। कई लोगों के सामने ये प्रश्न भी रहते हैं कि मुनि दीक्षा लेने के बाद करना क्या होता है। जब आपको इसी प्रश्न का समाधान नहीं मिलेगा तो फिर आपको वो कभी समझ नहीं आएगा कि मुनि दीक्षा लेने के बाद क्या करना होता है। इससे भी बड़ा प्रश्न वहां खड़ा हो जाता है कि भगवान बनने के बाद क्या करना होता है। कई लोगों के दिमाग में प्रश्न घूमता है कि सिद्ध परमात्मा करते क्या है और वहां एकांत में बैठे बैठे रहने से कौन सा सुख मिल जाता है। सुख तो हमें यहां मिल रहा है महाराज, जो सुख हमें कथा सुनने में मिल रहा है वो शायद हमें भगवान बनने में भी ना मिले, ऐसा भी कई लोगों को भाव आ रहा है। और उसी सुख की प्राप्ति करने के लिए यहां पर आपको ये बताया जा रहा है कि जब पार्श्वनाथ भगवान की कथा इतना सुख दे रही है, इतना आनंद दे रही है, तो फिर पार्श्वनाथ भगवान को साक्षात कितना आनंद आ रहा होगा, ये आप इसी से विचार कर सकते हैं। उस आनंद को प्राप्त करने से पहले उन्होंने क्या किया और उसके पीछे भी क्या फिलॉसफी है, थिंकर्स अनेक तरह के फिलोसोफर्स क्या सोचते हैं मुनि महाराज की तपस्या के बारे में, वो भी आपको यहां पर थोड़ा सा बताया जाएगा। बहुत से लोगों की बहुत गलत धारणाएं होती हैं और इस भोग प्रधान युग में गलत धारणाओं को पैदा करने वाले अनेक थिंकर्स और फिलोसोफर्स भी जन्म लेते हैं, उनके भी व्यू आपके सामने रखे जाएंगे। यह मंगल कथा प्रारंभ करते हैं थोड़ा सा। मंगल भवन अमंगल हारी पारस जगत हितकारी, सुख संपत सब ही घर आवे पारस कथा पवित्र जन गावे। इह विधि भूप भावना भाय उद्यम चिंत्य मन लाय, सरसो मोह ममत निर्वाहि उद्य वीर वीरज उद्धारि। जेठे सुत को दीनो राज आप चले शिव साधन काज, सागर दत्त मुनि सुर पास घने भूप भूपति के संग धरे महाव्रत निर्भय अंग। अब आनंद महामुनि धीर बन निवास विचरे बन वीर, दुर्धर तप बारह विधि करें दुविध संग ममता परिहरें। के नाम कहो कछु भार जिन शासन जिन को विस्तार, प्रथम महातप अनशन नाम दूजो उनोदर गुण थान, जो है व्रत पर संख्यान रस पर त्याग चतुर्थम मान, पंचम शयनाशन सार काय कलेश छह अविकार, यशत विपाहज तप जान अब अंतर तप सुनो सुजान। पहले प्राचित विनय द्वितीय वैया व्रत तीजो गढ़लीय, चौथे ष्ठम ध्यान हरे सब खेद ये अंतर तप के सब भेद, अब इनको संक्षेप स्वरूप सुनो संत तजि भाव विरूप। वह बारह भावनाओं को भाकर के सब परिवार से राजा होते हैं,
बहुत बड़ी प्रजा का अनुराग उनके ऊपर रहता है और वह सब प्रजा का अनुराग छोड़कर के अपने घर परिवार के सभी सगे संबंधियों का राग छोड़कर के वह वन में जाते हैं और अपने ज्येष्ठ सुत को राज देकर के बिल्कुल निश्चिंत होकर के एक शायर दत्त मुनीश्वर होते हैं, उनके पास में जाकर के वह दीक्षा ग्रहण करते हैं। और जब राजा दीक्षा लेते हैं तो उनके साथ में और भी जो अनेक अनेक राजा जो उनके चरणों में रहते हैं वो भी अपने स्वामी का अनुकरण करते हैं और वो भी दीक्षा उनके साथ में लेते हैं। ये भी एक हमेशा दीक्षा के प्रसंग में देखने को मिलता है। आपको ये ज्ञात होगा कि सभी तीर्थंकरों ने भी जब दीक्षा ली है तो उनके साथ में अनेक अनेक और भी राजा लोग दीक्षित हुए हैं। एकमात्र तीर्थंकर जिनके साथ में कोई भी दीक्षित नहीं हुआ, जो अकेले ही दीक्षित हुए, वो एक तीर्थंकर थे जिनका नाम है, बताओ, हैं? वर्धमान स्तोत्र पढ़ा करो, कितनी बार कहा, सब ज्ञान मिलेगा उसे। वे भगवान महावीर स्वामी हैं, जिनके साथ में किसी भी राजा ने दीक्षा नहीं ली और वह अकेले ही दीक्षा लेकर के 12 वर्ष तक विहार किए, तप किए। यह आनंद मुनि महाराज घने भूप भूपति के संग में, बहुत सारे लोग, बहुत सारे राजा उनके साथ में दीक्षित हुए और ये सभी महाव्रतों को धारण किए। निर्भय होकर के अपने उस वन में, जंगलों में, छोटे छोटे ग्रामों में विचरते हुए अपने तप त्याग के साथ में जीवन बिताने लगे और यह उनके जीवन का एक सही तरीका होता है जिसके माध्यम से वो अपना जीवन जीते हैं। आपको पहले भी बताया था कि दिगंबर मुनि हमेशा एक ही लाइन पर चलते हैं। और ये ध्यान रखना कि अगर हमें किसी लक्ष्य को प्राप्त करना है तो आपको एक ही लाइन पर चलना पड़ेगा। दुनिया के थिंकर्स आपको कुछ भी कहें, किसी भी रास्ते से चलो, किसी भी गलियों से चलो, किसी भी लाइन से चलो, पहुंचोगे तो वहीं पर, भूल में मत रहना, ऐसा कभी नहीं होता है। हर लक्ष्य को प्राप्त करने की अपनी एक लाइन होती है, अपना एक रास्ता होता है और जब तक उसको प्राप्त करने के लिए बहुत सारे रास्ते निकलते हैं तब तक आप लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए तो अंत में आपको अल्टीमेटली एक ही रास्ते पर आना पड़ेगा जिसका नाम है जैन धर्म, जिन दर्शन। आप अपनी गलियों में कहीं भी घूम लो, आगरा आने से पहले, एमडीजन आने से पहले आप कहीं पर भी चक्कर लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आपको एमडीजन के अंदर प्रवेश करना होगा, जब आपको शांतिनाथ भगवान के जिनाले में प्रवेश करना होगा, देयर इज ओनली वन वे, वहां पर आपको केवल एक ही रास्ता मिलेगा। और यही कहा जाता है, दुनिया में आदमी कितना ही भटक ले, कितने ही अन्य अन्य रास्तों पर चले जाए, कितने ही अपने अपने तरीके से अपनी अपनी गलियों में रह ले, लेकिन अंत में उसे अगर मुक्ति की प्राप्ति करना है तो उसे एक ही रास्ते पर आना पड़ेगा जिसका नाम है दिगंबर श्रवण धर्म, दिगंबर मार्ग, दिगंबर मुनि धर्म। चाहे आज की बात हो, चाहे पहले की बात हो, यह आनंद राजा भी बहुत पहले काल में भी इन्हीं 12 तपों को धारण करके, पंच महाव्रतों को धारण करके वह दिगंबर दीक्षा अंगीकार करते हैं। मुनि महाराज क्या करते हैं, कैसे जीवन निकालते हैं, क्या होता है उनके साथ में? न कोई राग है, न रागनी है, न कोई संगीत है, न कोई गीत है, न कोई उनके पास में मनोरंजन के साधन है, लेकिन फिर भी उनका मन वनों में, जंगलों में, आत्मा में कैसे लगता है? कौन सा वह अपने साथ में साधन अपनाते हैं जिसके माध्यम से वह इतना दीर्घ जीवन भी बहुत आनंद पूर्वक जीते हैं? कौन सी चीजें हैं? एक जन्म में तो आपको सीखना पड़ेगा, एक जन्म में तो आपको ये सब बातें विश्वास में लाना पड़ेगा, एक जन्म तो आपको ऐसा ज्ञान उत्पन्न करने के लिए खपाना ही पड़ेगा। शायद यही जन्म आपके लिए सौभाग्य से मिला है, जब आप इन सब बातों को बहुत अच्छे ढंग से जान सकते हो। श्रावक की चर्या, श्रावक की बातें भी आपको कभी बताई जाएंगी। आज हम आपको मुनि महाराज की बातें बता रहे हैं कि मुनि महाराज क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कौन सा भोजन होता है उनका, किसमें आनंद मनाते हैं,
सुनना चाहोगे? तप ही जिनका भोजन होता है और ज्ञान ही जिनका मीठा मीठा पानी होता है, नगर और अनेक तरह के जंगल जिनके घर और मकान होते हैं, चंद्रमा और सूर्य और सितारे जिनके लिए प्रकाश करने वाले दीपक होते हैं, हवाएं जिनके लिए आनंद देती हैं और आकाश जिनका परिधान होता है, उन्हें हम दिगंबर मुनि महाराज कहते हैं। कुछ समझ आया? लोग पूछते हैं क्या भोजन करते हो? आपका भोजन तो कुछ काम का नहीं होता है। तपः सदशनम, तप ही जिनका श्रेष्ठ भोजन होता हो और उस भोजन को करके जिसके जिनके अंदर आनंद आता हो, तप को ही जो अपने अंदर अपनाते हो, तप के माध्यम से अपना जीवन चलाते हो, ऐसे हुए मुनि महाराज एक नहीं दो नहीं बारह बारह तपों को अंगीकार करते हैं। छह बाहर के तप होते हैं और छह भीतर के तप होते हैं। तपना इनकी जीवन का एक लक्ष्य बन जाता है। बाहर से भी तपना है, भीतर से भी तपना है। बाहर से भी अपने आप को सुखाना है, भीतर से भी अपने आप को सुखाना है। और सूखते 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 क्या करना है? जब पूरा सूख जाएगा, जब सब कुछ शुष्क हो जाएगा, सब कुछ सूख जाएगा, तब इस शरीर में से, इस आत्मा में से कुछ रस निकलेगा और वो रस इस तरीके का होगा कि वह रस कभी भी सूखेगा नहीं। और वह रस अगर एक बार उस आत्मा के अंदर बन गया तो अनंत अनंत काल तक वह रस अमृत का, आनंद का अनुभव कराता रहे। इस तरीके के रस की प्राप्ति करने के लिए जो तप करते हैं, पूरा जीवन तप में तपाते हैं, उनको लोग समझ नहीं पाते हैं। बहुत से ऐसे दार्शनिक हुए हैं जिन्होंने इन तपों का भी मजाक उड़ाया है। वो उनकी अज्ञानता है मैं मानता हूं, लेकिन भोग प्रधान दुनिया में जब ऐसे दार्शनिक उपदेश देते हैं तो अनेक भोगी लोग उनकी ओर आकर्षित होते हैं और वो कहते हैं कि दुनिया में लोग इतने अज्ञानी हैं कि लोग उनको पूछते हैं जो भूखे रहते हैं, लोग उनको पूछते हैं जो अपना शरीर सुखाते हैं, लोग उनको पूछते हैं जो अपने आप को कष्ट देते हैं, लोग उनको पूछते हैं जो अपने भीतर दुखी रहते हैं। पता नहीं कैसे दुनिया में अज्ञानी लोग पैदा हो गए हैं। अरे लोगों को तो उन्हें पूछना चाहिए जो आनंद में रहते हैं, जो अपने ही मनोभाव में रहते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, गाते हैं, हर्ष में उल्लास में रहते हैं, लोगों को तो उनकी पूजा करना चाहिए। ऐसे उपदेश आपने सुने होंगे, ओशो जैसे दार्शनिक हमेशा इसी तरह के उपदेश देते हैं। सुनने की कोशिश करो, अगर वो दार्शनिक हमारे सामने होते तो शायद कुछ उन्हें हम भी समझाते, उन्हें कोई मिला नहीं समझाने वाला। जाति से वो जैन जरूर था, लेकिन उसके दिमाग में किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय का कोई भी भाव इसलिए नहीं आया क्योंकि उसे अपना एक सेक्ट, अपना एक संप्रदाय अलग दिखाई दे रहा था, अपने फॉलोअर्स अलग दिखाई दे रहे थे। पढ़ा उसने सब, जाना उसने सब, लेकिन कहा वो जो लोगों को पसंद आए। ये भोगी लोग, भोग प्रधान लोग कभी भी तप को पसंद नहीं करेंगे। अगर हम त्याग तपस्या की बात करेंगे तो हमारी सभा में एक भी आदमी नहीं दिखेगा, उसे पता था, इसलिए वो कभी भोग के, भोगियों के सामने कभी भी त्याग तपस्या की बात नहीं करता था, त्याग तपस्या का माखन उड़ाता था। और उसे अगर शायद ये पता होता कि कभी भी अगर लोग सही बात को समझेंगे तो चाहे वो बात त्याग की हो चाहे तपस्या की हो, लोगों को अगर हमें सही रास्ते पर लाना है तो हमें सही ज्ञान देना पड़ेगा, चाहे उसको सुनने वाले लोग एक हो, चाहे एक हजार हो, चाहे एक लाख हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, रास्ता एक है, हमें एक रास्ते पर सबको चलाना है। अगर ये भाव उसके अंदर होता तो शायद वो ऐसे उपदेश नहीं देता। लेकिन आप पढ़ते हो गए, जो भी आज का यूथ है, जो भी थोड़ा सा अपना दिमाग रखते हैं, वो तरह तरह के चिंतकों के विचारों के, विचारकों के विचार पढ़ते हैं, बहुत बड़ा साहित्य है उसका भी।
और जब उस में ये लिखा हुआ मिलता है, ये पढ़ा हुआ देखने में आता है कि तप करके अपने आप को कष्ट दे करके अपने आप को दुखी बना करके कौन सा इनको आनंद मिलता है, लेकिन भोली भाली जनता इन्हीं को पूछती है। शायद उसको भी ये कष्ट होगा कि ये जितनी पूजा इन भिक्षुओं की होती है उतनी पूजा दुनिया में किसी की नहीं होती है, जितनी पूजा दिगंबर मुनियों की होती है उतनी पूजा दुनिया में किसी की नहीं होती है। ये उसको कष्ट रहा होगा और इसी कष्ट के जरिए उसने ये उपदेश दिया। जब ये बात सामने आई कि दुख पाकर के कष्ट पाकर के क्या मिलता है, तो शायद हमें ऐसा लगा कि उसने समझा नहीं कि जैन मुनि दिगंबर मुनि कभी भी दुख पाते नहीं है, दुख को जीतते हैं। दिगंबर मुनि कभी भी कष्ट को सहन करके उस कष्ट से ऊपर उठ जाते हैं और उनके पास में कुछ ऐसा होता है जो बाहर दिखाई नहीं देता है, जिसका आनंद जिसका रस वो भीतर से लेते हैं और वह रस उन्हें तभी आता है जब हम भोगों को छोड़ते हैं। भोगों में डूबे हुए लोग उस रस के बारे में क्या जानेंगे? भोग विलासताओं में डूबे हुए लोगों के लिए तो उस रस का आनंद उस रस का भाव उसका परिचय बहुत दूर है अभी। और इसीलिए उस दार्शनिक ने भोगियों को अपने सामने लाया और वो देखा गया कि उसकी सभाओं में बहुत भीड़ रहती थी, बहुत उसने अपने फॉलोअर बनाए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति भोगों को छोड़ना नहीं चाहता है, हर व्यक्ति भोगों के साथ ही चाहता है कि कुछ आनंद मिले, भोगों के साथ ही चाहता है कि हमें धर्म सीखने को मिले, भोगों के साथ ही चाहता है कि हमें मुक्ति मिले, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। जब तक इस जीव को भोगों में रस आता है तब तक इसको आत्मा में रस आ ही नहीं सकता है। आनंद जैसे राजा, बड़े बड़े चक्रवर्ती, वज्रनाभी जैसे चक्रवर्ती, सब जो इसी जीव की अनेक अनेक पर्याय में होकर के आए और वे सब अपनी भोग संपदा को छोड़ करके इस दिगंबर बाने को धारण करके आत्म संपदा प्राप्त करने के लिए तैयार हुए, यही वह अनादिकाल से करते आते हैं और यही एक प्रक्रम है जिसके माध्यम से आत्मा की शुद्धि होती है, अरहम की प्राप्ति होती है। अरहम का मतलब सिद्ध बन जाना, अरहम इज योर अल्टीमेट गोल। अरहम का मतलब द प्योर सोल, प्योर कॉन्शसनेस, जो शुद्ध चेतना है, शुद्ध आत्मा है, उन जितनी भी शुद्ध आत्माओं का समूह है उस सारे समूह को अगर तुम एक नाम से बोलोगे तो इस एक का नाम है अरहम। कुछ लोग पूछते हैं व्हाट इज अरहम, सुन लो व्हाट इज अरहम। अरहम का मतलब कि अनेक अनेक शुद्ध आत्माओं को स्मरण में लाना और उसी पाथ पर चलने के लिए अपने अंदर एक योग्यता पैदा करना। जब हम ये योग्यता पैदा करते हैं तो इन्हीं व्रतों इन्हीं तपों के माध्यम से हमें गुजरना होता है और इन तपों व्रतों के माध्यम से गुजरते हुए आचार्य कहते हैं एक भीतर से आनंद उत्पन्न होता है। देह और आत्मा के अंतर ज्ञान से एक आह्लाद उत्पन्न होता है और उस आह्लाद को जो व्यक्ति अपने अंदर अनुभव करता है उसे बड़े बड़े तप करने के बावजूद भी कभी खेद खिन्नता नहीं आती। देहांतर विज्ञाना जनिता लाद निर्वृत तपसा दुष्कृतम घोरम भुंजानोपी न खिद्यते। आचार्य पूज्यपाद कहते हैं समाधि तंत्र एक ग्रंथ है उसमें कि जिसे देह और अंतर आत्मा का भेद विज्ञान उत्पन्न हो जाता है उससे उसे जो आह्लाद उत्पन्न होता है उस आह्लाद के कारण से तप करके भी बड़े बड़े कष्ट सह करके भी वह उससे खेद खिन्न नहीं होता है। कौन सा आह्लाद है वो, कौन सा रस है जो भीतर से पैदा होता है, जो सिर्फ अपने अंदर ही अनुभूति में आता है, उस रस को प्राप्त करने का तरीका भोगों के त्याग से शुरू होता है। और जिन्होंने भोगों को ही दुनिया का धर्म का साधन माना उन्होंने सिर्फ सिर्फ और सिर्फ
लोगों को लुभाने में ही धर्म माना। क्या करते हैं ऐसे लोग, नाचते हैं, गाते हैं, झूमते हैं, कुछ भी पीते हैं, कुछ भी खाते हैं, और पी पी करके, नाच नाच करके, जब मूर्छित होकर के गिर जाते हैं तो कहते हैं ध्यान में पहुंच गए। कहां पहुंच गए? अगर उन्हें उस समय पर कुछ और थोड़ी सी कुछ बेहोशी की दवा सुंगा दी जाए तो फिर कहते हैं अब तो समाधि में पहुंच गए। ये चल रहा है, बड़े मजे से चल रहा है। बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी टिकटें लगती हैं, बड़े बड़े इसके आयोजन होते हैं, और इसी तरीके के नाच गानों में मस्त करके आज के युवकों को, युवतियों को आनंदित किया जाता है, और वो आनंदित होते हैं, बड़ा बड़ा पैसा दे करके आते हैं, 10-10 दिन भी वहां पर गुजार करके आते हैं, और बस ऐसे ही नाचते हैं, खाते हैं, पीते हैं, पड़े रहते हैं, बस पड़े रहो। कहां पड़े हैं? बोले समाधि में जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। जैसे कोई नशा करके पड़ा होता, बोले कहां पड़ा? बोले हाँ गया, गया आनंद में, आनंद में। बस ऐसे खा पी करके पैसे पड़े रहते हैं, जैसे लोग ड्रिंकिंग करके पड़े रहते हैं, वैसे ही लोग नाच नाच करके, कुछ भी पी पी करके, मूर्छित हो करके पड़े रहते हैं, और कहते हैं हम ध्यान में, समाधि में, आनंद ही आनंद। लेना चाहोगे ऐसा आनंद? अगर इसी आनंद की खोज है तो इस आनंद राजा के आनंद की आपको कभी भी राह नहीं मिल पाई। ये आनंद अलग है। यहां वो आनंद की बात कही जा रही है कि जो आनंद हमारे अंदर अगर उत्पन्न होता है तो फिर हमें किसी दूसरे के सहारे की कोई जरूरत नहीं पड़ती। वो आनंद हमें मूर्छित नहीं करता, वो आनंद हमें भीतर से और जागृत अवस्था में उत्पन्न होता है, और जितनी जितनी चेतना जागृत होती है आनंद उतना ही उतना बढ़ता चला जाता है। नाम भी आनंद है, और उसी आनंद की प्राप्ति करने के लिए ये तप को अंगीकार किए। भूखे रहना, आधा भोजन करना, तरह तरह से तन को तपाना, दूसरे लोगों को लगता है कि ये कितना कष्ट सहन कर रहे हैं, सब कुछ मिला है दुनिया में खाने पीने के लिए, क्यों ये बेवजह पागलों की तरह ये कष्टों को अपने ऊपर ओढ़े हुए हैं, कौन मना कर रहा है? महाराज आप एक बार भोजन करने के लिए निकलते हो, इतने लोग तैयार रहते हैं कि लोगों को परेशानी होती है, आप दूसरी बार भी निकल जाया करो, थोड़ा सा उनको भी शांति मिल जाएगा। क्या सुन रहे हो? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? भोजन नहीं क्या तुम्हारे पास में? क्या नहीं है? दोबारा अगर मुनि महाराज भोजन करने के बाद निकल गए तो क्या करोगे? पूछ बैठोगे महाराज आज क्या हो गया? भूख सहन नहीं हुई? प्यास सहन नहीं हुई? क्या हो गया आज? आपके लिए ये भाव आए उससे पहले ही आचार्यों ने कहा है, तप करने से, कष्ट सहने से हम उन कष्टों को जीतते हैं जो कष्ट हमें भीतर से प्राप्त होते हैं। क्षुधा की भी एक वेदना है, क्षुधा को उत्पन्न करने वाले भी हमारे संस्कार हैं, और उन संस्कारों को जीतने का साधन है तो ये तप है। इसलिए लोग भगवान की पूजा करते हुए, मुनि महाराज की पूजा करते हुए क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामीति स्वा। कहां पे निर्वपामीति? ये जैनों की पूजा पद्धति तो दूसरे लोगों को समझ ही नहीं आ सकती। ये खुद भी नहीं खाते, भगवान भी इनके नहीं खाते, और पता नहीं इनका नैवेद्य कहां जाता है। कम से कम दूसरों के यहां भगवान तो खाते हैं, भगवान तो पीते हैं। नहीं समझा? मैं एक बार बिहार कर रहा था, उधर चित्रकूट की तरफ, सुना है ना चित्रकूट का नाम? हाँ, उधर बड़ा सुनसान इलाका है, और उधर मैं जब इलाहाबाद से इधर सतना से होते हुए चित्रकूट होते हुए एमपी में प्रवेश किया, तो उधर मैं बिहार करते हुए मैंने देखा कि वहां पर मुझे बहुत सारे साधु मिले। वहां पर रास्ते में कोई नहीं मिलता, तो मुझे साधु साधु मिलते थे। भाई क्या हो रहा है, क्या यहाँ कोई आदमी नहीं दिखते? थोड़ा बहुत अगर कोई दिखता तो साधु मिलते हैं। बोले यहाँ पर एक मंदिर है, उस मंदिर में सब साधु आते हैं जाते हैं, और यहाँ पर सिर्फ साधु ही रहते हैं। भाई ऐसी कौन सी जगह जहाँ पे केवल साधु ही रहते हैं, कोई श्रावक नहीं रहता?
बोले यहाँ सब साधु श्रावक सब बराबर है। मैंने पूछा भाई क्या करते हैं, बोले कुछ नहीं, अच्छा पीते हैं और पड़े रहते हैं। मैंने भाई साधु को पीने से क्या लेना देना? नहीं नहीं, वो भगवान को पहले पिलाते हैं और फिर वो खुद पीते हैं और फिर पड़े रहते हैं। बोले इसी से वैकुंठ मिलेगा। मैंने भाई ऐसे कैसे भगवान? बोले हाँ, हमारे भगवान पीते हैं तो पहले उन्हें पिलाते हैं। क्या पिलाना? जो हमें पीना वो पहले भगवान को पिलाना। मैंने भाई तुम क्या पीते हो? तो मुझे दो तीन साधु मिल गए। एक दिन मतलब चलते चलते थोड़ा सा मैं भी विश्राम करने की स्थिति में था, मैं वहां बैठ गया। जैसे मैं वहां बैठा तो दो तीन साधु आकर के वो भी बैठ गए। अब वो आमना सामना हो गया, उनके पास में गठरी भी थी, एक उनका शिष्य था एक गुरु था। थोड़ा सा बातचीत हुई, पूछा गया भाई कहाँ से हो कैसे हो? तो पता पड़ा कि एक पंजाब का है। बोले भाई क्या करते थे? बोले पहले ड्राइवर थे। बोले ये हमारा गुरु हमको मिल गया तो हम भी इसके साथ हो गए। तो भाई ये तुम गठरी में क्या लाते हो? बोले गांजा है। भाई गांजे का क्या काम है? बोले इसके बिना तो चलता ही नहीं है। साधु का गांजे से क्या काम? नहीं, इसके बिना तो चलता ही नहीं। तो उन साधुओं को उस समय पर बैठे बैठे थोड़ा सा समझाया, अरे भाई ये नशे करोगे, ये इस तरीके से गांजे पियोगे तो कैसे तुम्हारे लिए कुछ मिलेगा? तुम बेहोशी की हालत में रहोगे तो तुम्हें कभी अपने भीतर की आत्मा का चेतना का ज्ञान कैसे मिलेगा? और वहां पर दो चार श्रावक और खड़े थे साथ में। जो उसका शिष्य था वो तैयार हो गया कि मैं आज से गांजा नहीं पीऊंगा, लेकिन उसका गुरु उससे ऐसे कोनी मार के कहता, बोले क्या कर रहा तू? उस शिष्य तैयार हो गया, उसकी समझ में आ गया कि गांजा पीना बुरी बात है और वह तैयार हो गया त्याग करने के लिए। तो फिर जब देखा कि ये गुरु अभी तैयार नहीं हो रहा है तो फिर थोड़ा उसको भी समझाया और संयोग की बात की उसको समझाया। एक घंटा लग गया उसको समझाने में और आखिर करके उसने मान लिया कि मैं अब आज से गांजा नहीं पीऊंगा। अब मैंने कहा ये गांजा तेरे पास रखा है, इसका क्या करेगा? अगर तू गांजा नहीं पिएगा तो इसको अपने हाथ से, ये देख ये इधर नाला बह रहा है, इसमें फेंक के देखा, इसको फेंक दे सब। अरे महाराज बहुत कीमती। बोले अब काय का कीमती? अब काय की कीमत जब तुझे उससे कुछ लेना ही नहीं? अच्छा बोलते लोग पैसा चाहिए ना। आज से तुझे गांजा नहीं पीना, दूध पीना, पानी पीना, अच्छा भोजन करना, तुझे पैसा चाहिए? बोल कितने का गांजा है? उसने बताया महाराज इतने हजार का गांजा, 2000-3000 रुपए का गांजा था। मैंने श्रावकों से कहा भाई इनको 2000-3000 रुपए दे दो। उन्होंने उसको 2000-3000 रुपए दिए और उसने वो गांजा फेंक दिया और दोनों गुरु शिष्य बड़े प्रसन्न होकर के फिर आगे बढ़ गए। और वो चेला बड़ा प्रसन्न हुआ, कहने लगा महाराज आपने आज बहुत बड़ा काम करा दिया, मैं कई बार सोचता था कि साधु बन के गांजा पीने का काम क्या है। समझ में आ रहा है? आगे जब मैं बढ़ा तो पता पड़ा कि वहां पर एक भगवान है जो गांजा पीते हैं, पहले उनको पिलाया जाता है फिर दूसरे लोग पीते हैं। समझ आ रहा है? ये क्या है? इन भोगों से क्या हमें भगवान मिलेंगे? क्या नशों से हमें भगवान मिलते हैं? क्या नशा करना भगवान का काम है और भगवान अपने भक्तों को नशा करने के लिए कहते हैं? अगर हम अपने अंदर यही मूर्छा डाले रखेंगे तो हम कब समझेंगे व्हाट इज रियल एंड व्हाट इज अनरियल? किसी के लिए ये टीका टिप्पणियां नहीं है, ये आपके अंदर एक विवेक एक बुद्धि पैदा करने के लिए दिया जाने वाला एक एग्जाम्पल है। आपको अपने मन के अंदर यह समझना है कि इस भोग प्रधान दुनिया में लोग जिस तरीके से भोगों के लिए प्रोत्साहन देते हैं, आज आपके सामने अगर हम तप की बात कर रहे हैं तो आप इस तप की बात को भी अच्छे ढंग से सुन पा रहे हैं, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आज लोगों को हम तप की बात सुनाएंगे और लोग तप की बात सुनेंगे, भोगों की बात नहीं। सुनोगे कि नहीं कि उठ के चले जाओगे? एक एक तप का स्वरूप यहां पर संक्षिप्त से बताया जाने वाला है। अनशन किसे कहते हैं, ऊनोदर किसे कहते हैं, वृत्ति परिसंख्यान किसे कहते हैं, काय क्लेश किसे कहते हैं, विविक्त शय्यासन किसे कहते हैं, कायोत्सर्ग किसे कहते हैं, एक एक तप का स्वरूप यहां पर आपको बताया जाने वाला है। देखें आप कि मुनि महाराज क्या करते हैं और उन मुनि महाराजों का जीवन किस तरह से इन तपों के साथ में आनंद से बीतता है।
मंगल भवन अमंगल हारी पारसनाथ जगत हितकारी सुख संपत सब ही घर आवे जिनके सुनत बंधे शुभ ध्यान सेवत पद लहिए निर्वाण तप बिन तीन काल तिहु लोय कर्म नाश कबही नहीं होय दिन सो लिय बरस लगी करे चार प्रकार असन परिहरे ये जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताए गए तप हैं। अनादि काल से यही वाणी चली आ रही है और इसी तरह से लोग अपने कर्मों का नाश करने के लिए इन तपों को अंगीकार करते हैं। जिन तप के बिना तीन काल में तीन लोक में कभी भी कर्मों का नाश नहीं हो सकता है, ऐसे 12 तपों में जो 6 बाहरी तप हैं उनमें सबसे पहला तप है अनशन तप। क्या बोलते हैं? अनशन तप। अनशन माने चारों प्रकार के आहार के त्याग को अनशन कहते हैं। कई लोग अनशन करते हैं लेकिन आहार का त्याग चारों प्रकार का नहीं होता है, केवल बस अन्न का त्याग हो जाता है, दाल रोटी का त्याग हो जाता है, सूखे मेवे फल तरह तरह की खीर इन सब का त्याग नहीं होता है और वो अनशन हो जाता है। सुन रहे हो? कई लोगों के लिए अनशन इस तरीके से सिखाया गया है, लेकिन जैन धर्म में अनशन क्या है? चारों प्रकार के आहार का त्याग, आहार के साथ साथ पानी पीने का भी त्याग। और जब इस तरीके का अनशन होता है तो वह अनशन एक दिन से लेकर के एक वर्ष तक का भी हो सकता है। शास्त्रों में लिखा है कि नियम तो 6 महीने का लिया जाता है अधिक से अधिक, लेकिन हम उसको बढ़ा करके दोबारा फिर एक नए 6 महीने का नियम ले सकते हैं, एक वर्ष तक का भी अनशन हो सकता है। और ऐसा अनशन करने वाले भी प्रसिद्ध हैं, बाहुबली भगवान एक वर्ष का अनशन करने वाले, एक जगह खड़े रहने वाले, आज जिनको दुनिया के 8वें आश्चर्य के रूप में जिनकी मूर्ति को जाना जाता है, ऐसे वो बाहुबली भगवान ने भी अपनी प्रभावना तीर्थंकर नहीं होने के बावजूद भी बहुत बड़ी कर रखी है। किसके बल पर? तप के बल पर। सुन रहे हो? लोग क्या याद रखते हैं? तुम कितना ही कुछ कहो, लोग तपस्वियों को क्यों पूजते हैं? लोग हमेशा तपस्वी को ही पूजेंगे, भोगियों की कभी पूजा नहीं होगी। और समझदार लोग तो कभी भी भोगियों की पूजा करेंगे ही नहीं, समझदार लोग हमेशा तपस्वियों की पूजा करेंगे, भोगी कितना भी भोग का उपदेश दे ले। तपस्या के माध्यम से ही कर्म का नाश होता है, तपस्या के माध्यम से ही केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। आदिनाथ भगवान 6 महीने तक अनशन किए, निराहार रहे, पता है ना सबको। उनके पुत्र बाहुबली 1 वर्ष तक बेटा बाप से सवाया, अवगाहना में भी सवाया थे वो, ऊंचाई में। पिता की तो ऊंचाई थी केवल 500 धनुष की और उनकी ऊंचाई थी 525 धनुष की, 525 धनुष। बाहुबली की बात ही अलग है। सुन रहे हो कि नहीं? कौन की बाहुबली की बात कर रहा हूं? इन लोगों से तो पूछ लूं पहले। अरे पता पड़े मेरी पूरी कहानी हो गई, दूसरे कोई बाहुबली की बात सुन रहे हो। क्यों, कौन सा बाहुबली? गोमटेश्वर बाहुबली, फिल्म वाला बाहुबली तो नहीं। वह 1 वर्ष तक अनशन करके एक स्थान पर खड़े रहे और उसके बावजूद उनको केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ, इसलिए यहां कहा गया है कि 1 वर्ष तक उसकी अंतिम अवधि है। किसकी? अनशन रूपी तप की। यह अनशन बड़ा चमत्कारी और बड़ा ही दूसरों के लिए आश्चर्यकारी तप बन जाता है। मैं एक बार, आपने हरियाणा में हांसी सुना होगा, हांसी है ना, वहां पे पंच कल्याणक था। मैं वहां गया
और वहां पर मेरे सामने जहां पर पंचकल्याणक हो रहा था सामने एक दूसरा मंदिर था, वहां का एक बहुत अच्छा पंडित था, वो आया दर्शन करने के लिए और आकर के बैठ गया। थोड़ी सी बातचीत हुई, चर्चा हुई, तो पूछने लगा आपके बारे में बहुत सुना था, यहाँ पर आपके लिए बहुत इंतजार हो रहा था, बड़े महाराज आने वाले हैं, बड़े साधु आने वाले हैं, तो आप जो भोजन करते हैं वो जो दूसरे साधु भोजन करते हैं उनसे आपका भोजन तो बड़ा विशिष्ट होता होगा, आप बड़े महाराज, वो अपनी बात बता रहा था। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, सभी एक ही बार भोजन करते हैं, सभी सादा सिंपल भोजन ही करते हैं, एक बार भोजन कर लेते हैं, फिर दिन में प्यास दिन में भूख नहीं कुछ नहीं लगती, कभी नहीं करते। अरे बोले आप क्या कह रहे हो, मेरा तो आज व्रत है, मैं अभी दिन में दो बार खा के आया हूं फिर भी मुझे भूख लग रही है। अब मैंने कहा अपन तो हमेशा एक ही बार खाते हैं, और चाहे वो बड़े महाराज हो चाहे छोटे महाराज हो, खाना सबको वही होता है जो सबके लिए श्रावक देता है, ऐसा तो है ही नहीं है। हमारे यहाँ तो जो बड़े साधु होते हैं, बड़े महंत होते हैं, उनको बड़ा बड़ा भोजन मिलता है, उनका भोजन अलग ही क्वालिटी का होता है। हमारे यहाँ के जो महंत होते हैं उनके लिए अलग तरीके के पकवान बनते हैं, अलग तरीके का भोजन दिया जाता है, और जो सामान्य साधु होते हैं उनके लिए अलग तरीके का होता है। हमने कहा ऐसा कुछ नहीं होता है, अपने यहाँ तो और बड़ा वो कहलाता है जो और कम करे और ज्यादा त्याग करे। तो वो पता है क्या बोलता है, बोले महाराज मैं यहाँ पर एक आश्रम बनवाना चाह रहा हूं अपना, आपने कितने आश्रम बनवा लिए? मैंने कहा मेरा कोई आश्रम आश्रम नहीं, मेरा कोई ठिकाना नहीं है। बोले आप क्या बात कर रहे हो, आपका कोई आश्रम नहीं है? इतना त्याग किए हो आप, इतने आप व्रत करते हो, इतना आपकी तपस्या है और आपका कोई आश्रम नहीं? मैंने कहा त्याग तपस्या का आश्रम से क्या लेना देना? कि नहीं महाराज मैं तो व्रत इसीलिए रखता हूं कि जिस दिन व्रत होता है उस दिन लोग और ज्यादा मुझे कुछ भोग चढ़ाने आते हैं, और उसी से मैं थोड़ा सा जो भोग सामग्री आती है, जो और दान सामग्री आती है, उसी से मैं आश्रम बनवा पा रहा हूं, और मेरे ये लग रहा है कि अगर मैं थोड़ा सा इस तरीके से कर पाऊंगा तो ही एक आश्रम बनवा पाऊंगा। तो मैंने कहा मेरे यहाँ कुछ ऐसा आश्रम आश्रम नहीं होते, मेरे यहाँ पर तो ऐसे ही बस दिगंबर मुनि इसी तरीके से चलते फिरते रहते हैं, उनका अपना कोई घर नहीं, कोई आवास नहीं, कोई ठिकाना नहीं। तो ऐसी बातचीत करने के बाद में चलते चलते मालूम है क्या बोल के जाता वो, महाराज अगर आपकी जैसी तपस्या हम करते तो अभी तक 10 आश्रम खड़े कर दिए होते हमने। समझ आ रहा है? अब क्या बोलूं, क्या समझाऊं? अगर यही सब उद्देश्य है हमारे जीवन में तो आप कभी नहीं समझोगे कि मोक्ष का मार्ग क्या है और संसार का मार्ग क्या है। जो संसार है वही साधुओं के लिए एक संसार भी भोग है, और उसी भोग में वो कहीं ना कहीं साधु बन के भी लिप्त रहते हैं। लेकिन हमेशा तीर्थंकरों ने, जिन भगवान ने, जिन वाणी ने हमेशा ये सिखाया कि साधु बनने के बाद में संसार की चीजों से विरक्त होना। जो संसार में लोग जिस तरीके से कर रहे हैं, संसार में जिस तरीके से अपना राग बढ़ा रहे हैं, उस राग को अगर आपको कम करना है तो आपको इसी तरह के तप करना होगा। जब आप अनशन करते हैं तब उस समय पर आपके लिए भूख तो लगती होगी, प्यास तो लगती होगी, लेकिन अगर आपका समय धर्म ध्यान में गुजरता है, आपके मन में यह भाव रहता है, इस भाव की खुशी रहती है कि नहीं अगर मेरे भगवान 6 महीने तक तप सकते हैं, मेरे आराध्य 1 वर्ष तक तप सकते हैं, मेरे साधु प्रतिदिन 1 टाइम भोजन करके भी रह सकते हैं, मेरे साधु भी 1-1, 2-2, 3-3, 10-10 उपवास कर सकते हैं, तो क्या मैं 1 दिन 1 उपवास करके देख नहीं सकता? और उस दिन आपको अगर मन बनेगा, आपका मन में अगर धर्म ध्यान का भाव रहेगा, आपके मन में एक आनंद आएगा, तो आनंद इसी बात का भी आ सकता है कि मैंने आज त्याग किया है, आज मैं त्याग का ही आनंद लूं। क्या त्याग का आनंद नहीं होता? आनंद के ऊपर क्या लेवल लगा होता है कि आनंद कनेक्टेड विद भोग? आनंद इज ऑल्सो शुड बी कनेक्टेड विद त्याग। आनंद का संबंध त्याग के साथ भी हो सकता है। ये सिर्फ एक मेंटेलिटी है, आनंद प्लेजर हैप्पीनेस कहां रहते हैं? दीज आर ऑल्सो स्टेट ऑफ माइंड,
ये केवल हमारे एक दिमाग की एक स्थिति होती है, और उस स्थिति में हम कहीं पर भी हों, चाहे हम भोग के साथ हों, चाहे हम त्याग के साथ हों, भोग के साथ आनंद मनाने वाले दुनिया में अनंत मिलेंगे, लाखों मिलेंगे, लेकिन त्याग के साथ आनंद मनाने वाले विरले मिलते हैं, उन्हीं को साधु कहते हैं और उन्हीं को संत कहते हैं। त्याग के साथ आनंद मनाओ। आज मैंने छोड़ दिया, आज मैं क्यों खुश हूं? अरे रोजाना खाता था, रोजाना पीता था, आज देख रहा हूं कि अगर एक दिन नहीं भी खा रहा हूं, एक दिन नहीं भी पी रहा हूं, तो भी मेरा शरीर चल रहा है। आज मैं इसी बात से खुश हूं और आज मैं इसी बात से आनंदित रहूंगा। एक बार आप अपने मन में सोचना, फिर देखना आप कैसे आपके अंदर वह खुशी आती, कैसे आपके अंदर आनंद रहता है। त्याग के साथ भी आनंद मनाया जा सकता है, ये अगर आपकी मेंटेलिटी बनेगी तो आपको त्याग में भी आनंद आएगा। 10 लक्षण पर्व आने वाले हैं, आते हैं, देखते हो लोगों को जो दिन भर रात भर खाने वाले होते हैं, वो भी एक उपवास, दो उपवास, तीन उपवास, चार उपवास, थोड़ा सा पानी पी लिया तो पी लिया, नहीं तो 10-10 उपवास भी करते चले जाते हैं। करते हो कि नहीं करते हो? यहां पे भी होता है कुछ कि नहीं होता है, बोलो तो। यानी होता है, होता है, देखता हूं नाई नाई कितने बाल अभी सामने आते हैं। नाई की मंडी तो बहुत है यहाँ पे, अभी नाई नाई कितने बाल अभी सामने आते हैं। कुछ ही दिनों में आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि अब ये 10 लक्षण पर्व आने वाला है और ये पारसनाथ पुराण भी चल रहा है और आपका आनंद एकदम से वह 10 लक्षण पर्व में कन्वर्ट होएगा। तब आपको लगेगा कि वास्तव में यह आनंद जो हमारे लिए दिया जा रहा है यह निरंतर चलने वाला आनंद है। भोगों में तो आनंद आपने खूब मनाया, तप में भी आनंद मनाना सीखो, त्याग में भी आनंद मनाना सीखो। आखिर यह भी एक स्थिति है, कोई भी आदमी कुछ चीज को पाकर के खुश होता है तो कोई आदमी किसी चीज को त्याग करके छोड़ करके खुश होता है। बोले हम इसमें खुश हैं, क्या मतलब है इससे? एक चाय पी करके खुश हो रहा है, एक चाय को त्याग के खुश हो रहा है। बोले तुझे काहे की खुशी? बोले हमें त्याग की खुशी। किसकी खुशी? बोलो तो। हाँ, तो कभी भी त्यागी का मन, त्यागी का मुख कभी भी ऐसा मिलान नहीं दिखना चाहिए, अरे आज चाय नहीं मिली, समझ आ रहा है, आज पापड़ नहीं मिला, आज अचार नहीं मिला, अरे भाई आज रसगुल्ला नहीं मिला। अगर नहीं मिला तो उसकी भी खुशी मनाई जा सकती है कि चलो आज मुझे नहीं मिला, माने मैंने आज त्याग किया था, आज मिलता तो, लेकिन मेरा त्याग था, मुझे लेना ही नहीं था। ये त्याग का भी अपना एक आनंद होता है, इसी को बोलते हैं अनशन तप। और इसी तपों के माध्यम से जब आनंद लिया जाता है तो अनेक अनेक तरह के तप और बताए गए हैं, अनेक अनेक तरह की शक्तियां हमारे अंदर उद्घाटित होती हैं तपों के माध्यम से। कोई अनशन से अपनी शक्ति उद्घाटित करता है तो कोई ऊनोदर से अपनी शक्ति उद्घाटित करता है। कौन सा तप? ऊनोदर तप। जानते हो दूसरा तप कैसा कहा जाता है? पौन अर्ध चौथाई टेक, एक ग्रास अथवा कण एक, ऐसी विधि जो भोजन ऊनोदर आलस हर लेत। देखो क्या है ऊनोदर माने? उदर माने होता है पेट, और ऊन माने होता है थोड़ा सा, पेट को थोड़ा भरना, इसका नाम क्या हो गया? ऊनोदर। सुन रहे हो? बोलो तो। आप क्या करते हो? पूर्णोदर। क्या बोलते हो आप लोग? आपका भोजन कौन सा होता है? पूर्णोदर। कुछ लोगों का तो होता होगा दूनोदर। क्या होता है दूनोदर? भी होता है कुछ कि नहीं होता? ऊनोदर, पूर्णोदर, दूनोदर, अब इनमें तब कौन सा कहलाएगा? ऊनोदर। समझ आ रहा है? दूनोदर का मतलब उदर तो उतना ही होता है, आपकी नाभि के ऊपर थोड़ी सी जगह खाली रहती है, बस वहां तक आपने अगर भर लिया तो वो पूर्णोदर हो गया। समझ आ रहा है? लेकिन जब वो भोजन गले तक आ जाए तो क्या कहलाएगा फिर वो? समझ आ रहा है? ऐसा भी अगर भोजन होता है तो आपके लिए फिर ऊनोदर करना बड़ा कठिन होगा। पूर्णोदर करोगे, दूनोदर करोगे, बहुत आलस्य आएगा। जो जितना ज्यादा खाएगा उतना ज्यादा सोएगा, उतना ज्यादा आलस्य आएगा।
कई लोग कहते हैं कि मुझे बहुत आलस्य आता है, आलस्य का त्याग करना चाहते हो, आलस्य को जीतना चाहते हो, तो आचार्य कहते हैं उनोदर तप से आलस्य को जीत सकते हो। सुन रहे हो? आप देख लेना कभी भी महसूस करके, जब आपका पूरा पेट भरा होता है तब आपको बहुत अच्छी नींद आने लग जाती भोजन करने के बाद, लेकिन जब आप हल्का भोजन करते हो तो आपको आलस्य कम आता है। इसलिए जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे होते हैं या जो दिमाग से काम करने वाले जॉब करने वाले लोग होते हैं, वो कभी भी ज्यादा ठोस भारी भोजन पूरा नहीं करते। जिस दिन आपका एग्जाम हो उस दिन कभी पूरा बढ़िया रसगुल्ला कचौड़ी बालूशाही ठोस भोजन ही कभी नहीं खाना, समझ आ रहा? नहीं तो पता पड़ा खा पी करके आपको ऐसी नींद आएगी कि एग्जाम हॉल में पहुंचने के बावजूद भी फिर आप हाँ सिर घुमाते रह जाओगे, कुछ नहीं होगा। जब आपको पढ़ना हो हल्का भोजन करो, जब आपको आलस्य का त्याग करना हो हल्का भोजन करो, हल्का भोजन करने से आपको स्फूर्ति आएगी और इसी को कहते हैं ऊनोदर। हल्का ऊन उदर रहेगा तो वह ऊनोदर नाम का आपका तप बन जाएगा, ये साधन है। अनशन से भी कई प्रकार की बीमारियां दूर होती हैं। सुन रहे हो? अभी एक नई रिसर्च हुई है, कैंसर की बीमारी का कोई इलाज नहीं दुनिया में आजकल की एलोपैथी मेडिसिन के पास में। ये डिक्लेयर कर रहा हूं, चैलेंज दे करके कह रहा हूं, कोई इलाज नहीं कैंसर की बीमारी का, सिवाय ऑपरेट करते जाना, कीमो लगाते जाना, वो कोई इलाज नहीं उसका। कैंसर की बीमारी को अगर ढंग से दूर किया जा सकता है, उसके जो कीटाणु बनते हैं उनको नष्ट किया जा सकता है, तो वह केवल अनशन तप के माध्यम से किया जा सकता है। ये रिसर्च हुई है, विदेशी रिसर्च बता रहा हूं आपको, किसी यूनिवर्सिटी के अंदर ये बताया गया और ये होता है। जब आप अनशन करते हो भोजन नहीं करते हो तो आपके अंदर बॉडी के अंदर अपने आप कुछ ऐसे एंजाइम निकलते हैं जो एंजाइम कभी भी किसी भी भोजन से खा करके नहीं बन सकते हैं, जो एंजाइम केवल उपवास के साथ बनते हैं और वो पूरी बॉडी की क्लीनिंग कर देते हैं। आपके आंतों की क्लीनिंग, आपकी किडनी की क्लीनिंग, आपके पूरे ब्लड की प्योरिटी उस उपवास के साथ हो जाती है। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? ये अनशन तप के वैज्ञानिक फायदे बता रहा हूं। और अगर परम वैज्ञानिक फायदे, असाता वेदनी कर्म का नाश होना, तप के माध्यम से बड़ी बड़ी चीजें उपलब्ध की जाती हैं। अगर आपको कोई चीज उपलब्ध करनी है, आप थोड़े से व्रत करना शुरू करो, तप करना शुरू करो। कई लोग मनचाही जॉब नहीं ले पाते, मनचाहा बिजनेस नहीं कर पाते, उनका भाग्य काम नहीं करता। आप कोई ना कोई तपों के माध्यम से, व्रतों के माध्यम से आप धर्म का आचरण शुरू करो, आप देखोगे तप के अंदर की ताकत आपको सामने दिखाई देगी। ये छोटे छोटी सी चीजें हमारे भाग्य को बढ़ाने वाली चीजें हैं और इनका अभ्यास अगर बना रहेगा तो आप कभी भी छोटे छोटे नियमों से डरोगे नहीं। जो व्यक्ति अनशन तप करना जानता होगा वो रात्रि में भोजन क्यों करेगा, और रात्रि भोजन उसके लिए कौन सी बड़ी चीज होगी? त्याग करना, ये अपने आप आने लगता है। इसलिए तपों का अभ्यास हर श्रावक को भी करना का एक भाव होना चाहिए, और वह तप अनशन उनोदर कारी सुख संपत सब ही घर आवे, पारस कथा जैसी प्रथम प्रतिज्ञा करे, ताही विद भोजन आदरे। सो कहिए व्रत परिसंख्यान, आशा व्याधि विनाशन जान। एक तीसरा तप होता है जिसे व्रत परिसंख्यान तप कहते हैं, और व्रत परिसंख्यान का मतलब होता है तरह तरह की अपने लिए नियम ले लेना, तरह तरह की अपनी मनोवृत्तियों को कंट्रोल करने के लिए तरह तरह के नियम को साधना करके उसका भाव देखना कि हम अगर आज अपने पुण्य की परीक्षा करना चाहते हैं तो हम ऐसा करें कि अगर हमें ऐसा मिलेगा तो हम ये भोजन करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। इसको क्या बोलते हैं? व्रत परिसंख्यान, समझ आ रहा? जैसे मान लो रोजाना आपको भोजन मिलता है, एक दिन आप भोजन करने के लिए, आप तो दिन में दो टाइम भोजन करते हो, तीन टाइम भोजन करते हो, एक दिन आप अपनी परीक्षा करना है। अगर हमारी थाली में ये वाली चीज आएगी तो हम भोजन करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। ये क्या कहलाएगा? ये व्रत परिसंख्यान कहलाएगा। व्रत परिसंख्यान किसी भी चीज का हो सकता है। हमें वही भोजन खिलाएगा तो हम भोजन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे।
क्या सुन रहे हो? गृहस्थ कैसे? आपको पता नहीं है घर में पहुंचे आप, आपको भोजन कराने वाला कौन है, क्या भोजन की थाली में आने वाला है, आप अपने मन में कोई भी नियम ले लो, परीक्षा करके देख लो। महाराज भूखे ही रहना पड़ेगा, लोग कह रहे हैं। भूखा रहना भी पड़ेगा तो आपको कौन सा दिन भर भूखा रहना है? एक टाइम भूखा रह लेना, दूसरी टाइम खा लेना, समझ आ रहा है? मुनि महाराज को तो 24 घंटे के बाद मिलेगा। इस तरीके की परीक्षा में भी मुनि महाराज आनंद लेते हैं, देखते हैं मेरी कुंड की परीक्षा क्या है, मैं भोजन आज मुझे वास्तव में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, समझ आ रहा? दिल्ली जैसी सिटी में भी एक बार प्रशांत विहार में चतुर्मास रोहिणी में चल रहा था, समझ आ रहा? और जो जहां पर उस कैंपस में ही लोग जो है आहार वगैरह के लिए पड़गान करने के लिए खड़े थे, तो अब थोड़ा सा पता तो हो ही जाता है कौन से कहां पर स्थान है, तो कहीं सीपी ब्लॉक है, राजस्थली है, सब आसपास के जो छोटे छोटे सेक्टर होते हैं तो पता तो रहता ही है कि भाई यहां पर भी जाने का ये रास्ता है। तो एक दिन मेरे दिमाग में आया कि आज मैं इस कैंपस में भोजन नहीं करूंगा, आज मुझे इस कैंपस से बाहर कोई भी व्यक्ति पड़गान करेगा तो मैं भोजन आहार ग्रहण करूंगा, अन्यथा नहीं करूंगा। और मैं निकल गया, समझ आ रहा है? अब जैसे ही बाहर निकला तो सब पीछे पीछे चलने लग गए। कुछ लोगों ने उस समय पर कुछ नियम ले रखे थे, जैसे अष्टमी चतुर्दशी को मैं शुद्ध भोजन करूंगा, समझ आ रहा है? मैंने सोचा कि जिस सेक्टर में जा रहा हूं, जिस ब्लॉक में जा रहा हूं, वहां पर एक ना एक व्यक्ति तो इस तरीके के हैं कि जो कहीं शुद्ध भोजन करने का नियम लिए होंगे, तो कम से कम उनके घर में शुद्ध पानी तो मिल ही जाएगा, कुछ नहीं भोजन नहीं मिलेगा तो पानी तो मिल ही जाएगा, नहीं समझे? एक फायदा ये भी रहता है शुद्ध भोजन पान करने का, सुन लो आगरा वाले तुम भी सुन लो। और अगर पानी मिला तो पानी के साथ साथ फिर किसी को याद आ गया, अरे भाई कुछ नहीं है, चलो रोटी नहीं है, कोई दाल सब्जी नहीं है, कुछ तो होगा, छोटा बहुत सूखा मूखा कुछ तो होगा, समझ आ रहा है? चलो जितना मिलेगा उतना ही सही, निकल गया। अब देखा कि मुझे जिस ब्लॉक में जाना था वो व्यक्ति मेरे पीछे चल रहा है, समझ रहा है? अब मैं देखता जा रहा हूं, मैंने कहा आज तो लंबी परीक्षा होने की है। अब ये अगर समझे कि महाराज कहां जा रहे हैं तो कुछ बात बने। और मैं निकल गया, मैं उस ब्लॉक में पहुंच गया, वहां कोई आहार नहीं मिला, फिर वहां से मैं और निकल गया आगे। अब कोई मुझे आइडिया नहीं था, मैं अब चला जा रहा था, मुझे लौट करके वापस आना था, तो एक दूसरे स्थान तक चला गया। रास्ते में जाते 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 किसी ने बताया कि महाराज मैं निकला प्रशांत विहार से, रोहिणी गए कभी? प्रशांत विहार से पहुंचा पहले सीपी ब्लॉक, फिर सीपी ब्लॉक से फिर जो है पहुंचा राजस्थली, समझ आ रहा है? और किसी ने बताया कि वहां पर एक कोई दादी माँ है जिनका कोई प्रतिमा है, जिनके व्रत हैं, उनके यहाँ पर शुद्ध भोजन बनता है, तो किसी श्रावकों ने वो व्यवस्था वहां पर तुरंत जाकर के कि महाराज राजस्थली की ओर आ रहे हैं, और वहां पर जाकर के ही हमको लेकर के उस राजस्थली की ओर लेकर के चले गए। मुझे नहीं पता था कि कहीं पर कुछ है, वहां जाकर के पता पड़ा कि वहां पर जब लोगों ने पड़गान कर लिया, पड़गान करने के बाद में कि महाराज ये मेरी माँ है, इनकी सात प्रतिमा है, इनके लिए शुद्ध भोजन बनता है, आज इसी में से हमने आपको ये थोड़ा सा भोजन कराया, आज मुझे आनंद आ गया। लगभग 3 किलोमीटर जाने के बाद में फिर 3 किलोमीटर लौट करके वापस आया, सुन रहे हो? अगर नहीं भी कुछ मिलता तो भी 3 किलोमीटर जाना और 3 किलोमीटर आना, 6 किलोमीटर का विहार तो हो ही चुका था, समझ आ रहा है? बड़ी बड़ी रिस्क भी उठाई जाती है कभी कभी, क्यों? क्योंकि ये देखने के लिए कि आखिर ये भी हमारे लिए कुछ है कि नहीं, हम अपने पुण्य से खा रहे हैं कि ये लोग मुझे जबरदस्ती खिला रहे हैं। कभी कभी इस तरीके की परीक्षाएं की जाती हैं, और कभी कभी उन परीक्षाओं में पास भी हो जाते हैं, मिल भी जाता है, और कभी कभी नहीं भी मिलता है, दोनों ही बातें। एक बार फिर मैंने उसी दिल्ली में फिर एक बार वृत्ति पर संज्ञान कर लिया, उस दिन कुछ नहीं मिला। दूसरे मोहल्ले में किया, दूसरे सेक्टर में किया, लोग समझ ही नहीं पाए और घूम घाम करके वापिस आ गया, समझ आ रहा है? तो ये कहलाता है वृत्ति परिसंख्यान। ध्यान रखो, दिमाग दुरुस्त रखो आगरा वालों। हाँ, सब देख चुका हूं मैं, सेक्टर 7 भी जा चुका हूं, धुलियानगंज भी जा चुका हूं, समझ आ रहा है? पत्तलगंज भी मालूम है और बेलरगंज भी मालूम है, कहीं तक भी जा सकता हूं मैं।
और प्रोफेसर कॉलोनी तो पास में आई है, समझ आ रहा है। लेकिन कम से कम इतना तो भाव रखो कि अगर साधु हमारे द्वार तक आए तो हम उसे कम से कम शुद्ध पानी भी पिला सके, और शुद्ध पानी जब तुम्हारे यहां होगा तब तो पिलाओ, सुन रहे हो। तो एक अभ्यास ये भी करना सीखो, पहले भी एक दिन थोड़ा संकेत किया था ना, ये अभ्यास करना सीखो कि हमें ये समर के पानी नहीं पीना, ये हमें जो है नलों के पानी नहीं पीना, कभी भी अष्टमी को, चतुर्दशी को या किसी भी दिन हमें शुद्ध पानी पीना, शुद्ध भोजन करना, इस तरीके का भाव बना करके रखो। और इस भाव में अगर आप आओगे तो आपके लिए ये तप करने का महत्व पता पड़ेगा, आपके लिए सब चीजें सरल होंगी। ये तीसरा तप है जिसे बोलते हैं वृत्ति पर संख्या। आगे पढ़िए, लवणादिक रस क्षार उपाध नीरस भोजन रस परित्याग कहावे इंद्रिय मद नाशन यह नियम। इंद्रियों के मद को नाश करना चाहते हो तो रसों का परित्याग करके भी तप किए जाते हैं, है ना। ये एक पद्धति है जैन श्रावकों के अंदर भी कि रविवार को नमक नहीं खाना, सोमवार को हरी नहीं खाना, ऐसे मंगल को ये नहीं खाना, बुध को ये नहीं खाना, रस का भी परित्याग करके भी आप ये रस परित्याग नाम का तप कर सकते हो। शून्य गेह गिरी गुफा मसान नारी नपुंसक वर्जित थान सोए। मुनि महाराज हमेशा शून्य स्थानों पर, जहां पर लोगों का आना जाना ज्यादा ना हो, जो स्थान किसी के घर ना हो, जो स्थान केवल शून्य रूप में माने कि उन स्थानों पर ना तो किसी मनुष्यों का आवागमन हो, बाधा हो, या पशुओं के आने जाने की बाधा हो, उस स्थान पर कोई आकर के यो ना कहे कि मुझे भी यहीं बैठना था, आप यहाँ क्यों बैठ गए, समझ आ रहा है। ऐसे शून्य स्थानों पर, गुफाओं में, गिरियों पर, शमशानों में, नारियों और नपुंसकों से रहित स्थानों पर, वहां पर जाकर के ही शयन करते हैं और वहां पर जाकर के ही आसन माने बैठते हैं, ध्यान लगाते हैं। यही उनके लिए ध्यान की सिद्धि करने का एक तरीका होता है, माने एकांत स्थान में ही ध्यान लगाना, एकांत स्थान में ही शयन करना। ग्रीष्म काल बसै गिरिशीष पावस में तरुवर तल दीश शीत समय तटनी तट रहे काय क्लेश कहावे रहे। काय क्लेश नाम का तप होता है जिसमें अपने लिए कि वह ग्रीष्म काल में भी ग्रीष्म स्थानों पर जाकर के रुकते हैं, शीत काल में भी ठंड के स्थानों पर जाकर के रुकते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि आचार्य महाराज जब गर्मी पड़ती है तब कुंडलपुर आ जाते हैं और जब ठंड पड़ती है तो अमरकंटक चले जाते हैं, समझ आ रहा है। जब हम भी संघ में थे तब हम भी बड़े सोचते रहते थे, करते क्या है, समझ आ रहा है। जब ठंड पड़ती है तब अमरकंटक की ठंडी में चले जाते हैं, जब गर्मी पड़ती है तो कुंडलपुर ऐसी जगह है, चारों तरफ तो पहाड़ियां हैं और बीच में आपको रुकना, जैसे कि अवा की अग्नि होती है ना ईंटों के तपाने की, वैसी अग्नि की लपटें वहां पर शाम को लगती हैं, और उस स्थान पर भी आचार्य महाराज रुकते हैं, संग रुकता है। और इस तरीके से जब वह संग को भी तपाते हैं तो संग में भी जो साधु तपस्या से डरते हैं वो भी तपस्या करना सीख जाते हैं। डरते तो हर कोई है, समझ में आ रहा है। लेकिन गुरु महाराज अपने ढंग से जब इस तरीके से तप कराते हैं तो सब तरह के तपों में साधुओं को आनंद आने लग जाता है। या तप के आचरण सो सहनशील मुनि होय, अब अंतर तप भेद छे कहूं जिनागम जोय। इन तपों के आचरण से क्या होता है, सहनशीलता बढ़ती है, सुन रहे हो, टॉलरेंस पावर, हर कोई चाहता है सहनशीलता बढ़े। बाहरी तप करो, अंतरंग तप करो, तप करने से ही सहनशीलता आएगी और तप करके ही आप कुछ सहन करने की अपने अंदर, चाहे शारीरिक रूप से चाहे मानसिक रूप से। ये बाहरी तप हमें शारीरिक सहनशीलता को बढ़ाते हैं, क्या सुन रहे हो। अगर आप तप के माध्यम से अपने शरीर की शक्ति को बढ़ाओगे तो कभी आपके लिए छोटे छोटे नियम टूटेंगे नहीं। रात्रि भोजन का त्याग कर देते हो लेकिन फिर भी कभी रात में भूख लग गई तो खा लेते हो, समझ आ रहा है। कई बार अगर नहीं भी मिला तो फिर उस दिन तड़फ जाते हो,
अगर एकाशन करने की भी ताकत रहेगी तो कम से कम रात्रि भोजन का त्याग तो अपने आप हो जाएगा। तपों के माध्यम से क्या आती है? सहनशीलता। बाहरी तपों से शारीरिक तप के माध्यम से शरीर में सहनशीलता बढ़ती है, और जो छह अंतरंग तप है इनसे मानसिक सहनशीलता बढ़ती है। सुन रहे हो? अभी तो आपने क्या सीखा? अपने शरीर को सहनशील बनाना। थोड़ी सी भी गर्मी लग गई, थोड़ा सी भी ठंड लग गई, तुरंत हीटर कूलर सब चला लेते हो, लेकिन अगर सहन करने की क्षमता रखोगे तो कुछ भी सहन करके अपने शरीर को कुछ उसके योग्य बना पाओगे। आप देखते होगे कि जो किसानों के बेटे रहते हैं, जो मेहनत करने वाले व्यापारियों के बेटे रहते हैं, उनके शरीर में जो ताकत होती है वो ताकत अलग होती है, और तुम लोगों के लिए जो एसी में पड़े रहते हो, तुम्हारे शरीर की जो ताकत होती है वो ताकत अलग होती है। कोरोना की सेकेंड वेव में इम्यूनिटी, व्हाट इज इम्यूनिटी? कहां से आएगी इम्यूनिटी? कोई टेबलेट खाने से आएगी? इंजेक्शन लगाने से आएगी? डरे पड़े बच्चे, इम्यूनिटी बढ़ाओ। अरे भाई बढ़ाओ क्या? कोई एक दिन में इम्यूनिटी बढ़ती है क्या? जो लोग अपने लिए अपने शरीर को तपाना जानते हैं, शरीर से पसीना निकालना जानते हैं, और शरीर को किसी भी तरीके से तपा करके भी खुश रहना जानते हैं, उनकी इम्यूनिटी हमेशा बढ़ी हुई रहती है। मरने वालों की संख्या में ज्यादातर लोग वो निकले हैं जो एसी में पड़े रहते थे। थोड़ा सा भी जुकाम हुआ, बुखार हुआ, फिर उनके लिए एक तो कोरोना का भय और ऊपर से दवाइयों का इंफेक्शन, इसमें और ज्यादा लोग निपटे। जिन लोगों ने हमेशा अपने जीवन में शरीर से मेहनत की है, तप किया है किसी भी तरीके का, चाहे हमें कहीं दूर तक जाना पड़े, पैदल जाओ, खुद अपने शरीर से पसीना निकालो, घर का काम खुद करो, जो लोग इस तरीके से अपने शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाएंगे उन्हें कोरोना वोरोना कुछ नहीं कर पाएंगे, ये ध्यान रखना। और जो लोग एसी में पड़े पड़े गद्दों में पड़े पड़े अपने आप को बिल्कुल बस मस्त गद्दा बना लेंगे, शरीर भी उनको ऐसी मस्त गद्दा बन जाता है गद्दों में पड़े पड़े, समझ आ रहा है? उन्हें कब गद्दे से ऊपर उठ जाना पड़े उनके लिए पता नहीं पड़ता है। इसलिए इन तपों के माध्यम से क्या करना? शारीरिक सहनशीलता बढ़ाना। फिजिकली टॉलरेंट आप होंगे इन तपों के माध्यम से, और मेंटली टॉलरेंट होने के लिए आपको कल बताएंगे कि छह अंतरंग तप क्या होते हैं। ओम अरहम, ओम अरहम बोल, ओम अरहम, ओम अरहम, सभी कार्य की सिद्धि से तो पहले इसको दो, सभी कार्य की सिद्धि से तो ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम, पार्श्वनाथ भगवान की।